सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडी एसएससी नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या आपका सीपीओ, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डेट ऑलमोस्ट आपकी फाइनल है, बस ये लगा लो आज बस 2-3 दिन रह गए एग्ज़ाम में, ठीक है। एनर्जेटिक रहना है, जो मैंने सेशंस कराए हैं उन पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में निखारनी है आपको, कहने का मतलब क्या है, उन गलतियों को ठीक करना है, ठीक है। उन चीज़ों को आपको अप टू डेट करना है जो पिछली बार रह गई थी, या जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग मत करवाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना भाई, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024, असिस्टेंट रोटेट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ऐसी कितनी सारी पोस्ट हैं जिनके बारे में सिर्फ आपने अभी तक सुना है, बट अगर जब आप उन पोस्टों पे पहुंच जाएंगे तो सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। बिकॉज आसान है रास्ता, बट अगर आपको राह सही चुने तो, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर सब मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन तरह पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एग्जाम का टाइम है। पहला क्वेश्चन टाइम आउट बॉक्स से प्लीज़ करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क एंड आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट टास्क एंड ए फिनिश द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द गिवन वर्क, फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए एंड बी वर्क टुगेदर, देखो सबसे पहली बात, टाइम ऑफ ए कितना है मेरा 15 डेज, ठीक है। अभी ऐसे कोई एलसीएम लेके कुछ भी गड़बड़ मत करो, क्योंकि मुझे एफिशिएंसी दी हुई है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं किसकी, ए एंड बी की, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी 50% का मतलब 1/2। ए अगर 2 है तो बी कितना होना चाहिए मेरे पास, बी मेरे पास 3 होना चाहिए। बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क, सबसे पहली बार टोटल वर्क निकालिए। तो याद रखो, टोटल वर्क स्टूडेंट कैसे निकलेगा, जिसका काम एफिशिएंसी उसकी। तो वर्क टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, टाइम ऑफ ए 15 और एफिशिएंसी ऑफ ए 2, यानी वर्क हो गया मेरे पास 30 नॉट 60, ठीक है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क एंड आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट टास्क एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 1/3 ऑफ द गिवन वर्क, यानी 1/3 ऑफ द गिवन वर्क, इसका 1/3, 10 वर्क किया होगा किसने, ए ने। अब ए ने कितने टाइम में किया डजंट मैटर, बट किया है। अब अगर 30 काम में से 10 ए ने किया, तो डेफिनेटली ए और बी ने मिलकर 20 काम किया होगा। तो 20 काम किया था, टाइम ऑफ ए प्लस बी एंड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, इजंट इट, यस। अब 20 काम किया है, टाइम है इसका ए प्लस बी और एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितने स्टूडेंट्स, 2 + 3 = 5, तो क्या आंसर आ गया मेरा 4। क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 10 काम निकालने में कितना समय हुआ, बच्चे क्या करें भाई, ए ने काम किया 10, एफिशिएंसी कितने दिए ए की 2 और टाइम वो कहेंगे 5 दिन, बट इस 5 दिन का कोई यूज ही नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा सॉरी भाई, ए ने कितने दिन में काम किया, वो ये पूछ रहा है ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव में बड़ा फर्क है, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ भ्रमित मत होना, थोड़ा बहुत टाइम खराब करने वाली सिचुएशन है ये, आपने सिर्फ टाइम निकालना, उसे हटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अ बोट कैन ट्रेवल 9.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 36 मिनट, ठीक है भाई। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज, वाटर करंट मतलब स्पीड ऑफ द वाटर दिया हुआ है, करंट को ही इसमें वाटर बोला जाता है, ध्यान रखिए, वाटर बोला हो करंट बोला हो, ठीक है, तो सेम बात है। इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम,
19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा बताइए, बताओ कितना लगेगा, ट्राई करिए शाबाश। एग्जाम में 25-30-40 सेकंड क्वेश्चनों करने के लिए मैक्सिमम, स्टेटमेंट रीड करने के मिला के बोल रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहली बात क्या दिया है, डिस्टेंस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम टू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कुछ ऐसा ही है। आप जा रहे हो 96/10 किलोमीटर 36/60 मिनट में, यानी 36 आवर में, 36/60 आवर में, और स्पीड ऑफ यहाँ से अपस्ट्रीम आपको पता चलेगी, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है कटता हुआ 6, 6 और 16, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई मेरी, सिक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ वाटर करंट बी 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, अब देखो मुझे सेकंड क्या निकालना है इन डाउनस्ट्रीम, कि मेरी जो स्पीड ऑफ द बोट है या स्पीड ऑफ द वाटर है वो क्या है, 10% ऑफ 16 यानी कितना 1.6 किलोमीटर पर आवर। आपको दो तीन रिलेशन ही पता होने चाहिए बस इस क्वेश्चन के लिए कि आपके पास स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या होती है, ये होती है स्पीड ऑफ द वाटर प्लस स्पीड ऑफ द बोट, वैसे स्पीड ऑफ द बोट को पहले ही रखो क्योंकि डाउनस्ट्रीम में माइनस भी होगी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, तो ये कितना हो 16, स्पीड ऑफ द बोट प्लस 1.6, तो स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया 16 माइनस 1.6 यानी कितना 14.6 14.4 एग्जैक्टली 14.4 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मुझसे, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से जल्दी से, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन बचाओ मेरे पास। देखिए होपफुली नोट कर लिया होगा, ये वाला मिटा देते हैं जरा। चलिए देखो, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देखो अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम होता है इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, वो क्या बोल रहा है भाई 19.2 किलोमीटर जाना है, बट स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, देखो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम ये क्या था, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम था, सॉरी डाउन था, इसको ठीक कर लेना, डाउन था अपनी था, ठीक है। स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, वो ये होगी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है। तो 19.2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है 14.4 माइनस ऑफ 1.6 ये कितना होगा मेरे पास, अब जल्दी से जल्दी इसको कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना हो गया। ये कितना होगा 12.8 192 बाय 128 इज इक्वल टू टाइम ऑफ आपका अपस्ट्रीम, इसको सॉल्व करना है। देखो ये कितना आ गया, अगर मैं से देखूँ ये 828 प्लस 64 है तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 1.5, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मेरा, नोट कीजिए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, थोड़ा सा हटके था। चलिए नेक्स्ट है मेरा पार्टनरशिप से क्वेश्चन, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1200,
X months after the start of business, B joined A with an initial investment of ₹1,500. If total profit was 1950 at the end of the year and B share of profit was 750, find X. पता है इस क्वेश्चन की सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर आपसे ये पूछा हो कितने साल के बाद किया, कितने साल के लिए किया या कितने टाइम के लिए, वो सेम आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बट निकलेगा कैसे, दैट इज़ अ प्राइम टास्क. ट्राई करिए, ट्राई कीजिए इसको प्लीज. करिए करिए, ट्राई करिए शाबाश. चलिए देखिए, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1200, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितनी आ गई, 1200 आ गई. अच्छा, एक्स मंथ्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी ज्वाइन विद ए, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 रुपीज. इफ टोटल प्रॉफिट वॉज 1950 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बी शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, 750 रुपीज़ दिया हुए, एंड प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा फिर, 1950 माइनस 750 1200 रुपीज़. टाइम ऑफ ए कितना दिया है, पूरा साल यानी 12 मंथ, और टाइम ऑफ बी कितना दिया है, की मंथ ले लो. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो जरा करना क्या होता है. मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 1200 × 12, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी. बी की बात करें 1500 × k टाइम के लिए होगी, इजिकल टू ए का प्रॉफिट 1200 और बी का 750. बिकॉज जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स, वही मेरी क्या होती है, प्रॉफिट का रेशो भी कहीं ना कहीं वही होता है. तो 1200 से 1200 कटा, 750 गुना 2 पास 1500, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी. अगर वो ये पूछता कितने टाइम के लिए किया है जो उसने पूछा, अगर वो ये पूछता कितने मंथ बाद करना था, तब भी आंसर यही आएगा. ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको. चलिए नेक्स्ट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो. चलिए, द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर है जिसकी रेडियस आ रहा है मेरे पास और हाइट मेरे पास एच है. अब मुझे क्या दिया, वो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम दिया हुई, द कर्व सरफेस एरिया इज स्केयर आएगा. देखो कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया, इसका रेशो कितना दिया, 3/5. और दूसरे जगह पे मुझे टोटल सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है, जिसको मुझे इक्वेट करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, टोटल होता है 2πR इंटू आर प्लस एच 3/5. तो यहाँ से मेरे पास R और H का बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होगा, और वो मैं इसमें यहाँ पे पुट करूँगा. 2πR कैंसिल, 5H = 3 times of R plus H.
5H is equal to 3R plus 3H. So 2H is equal to 3R. R by H कितना आ गया? 2 by 3. R by H 2 by 3 आ गया. इसको 2 by 3 times K ले लो. अच्छा, मुझे कितना दिया? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कितना दिया? 1848 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 2 के इंटू 3 के इज इक्वल टू 1848. ठीक है, देखिए काटिए जरा इसको 2 से, 924 टाइम्स 11 4 62 11 42 यानी 3 दूनी 6 67 42. के स्केयर इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 गुना 4 49. के कितना आ गया? रूट 49. कितना आ गया? 7. अगर के मेरा 7 आ गया तो मुझे क्या बोल रहा है? हाइट, हाइट कितनी आएगी? 3 के 3 इंटू 7 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 21 इज द राइट आंसर. क्लियर? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं करे तो कर ले. और 9517716551 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. जल्दी से जुड़िए हमारे साथ. ठीक है, सारे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेन ए कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी विच इज 205 मीटर लॉन्ग इन 16 सेकेंड्स इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन द सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोथ इज 25 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स. प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को. चलिए देखो, सबसे पहली बात, अ ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी. तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी दी है मुझे? 205 मीटर. अच्छा, दूसरी चीज देखो, इसमें कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटी भी दी गई है. इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन द सम विल बी हाउ मच? 25 मीटर पर सेकंड, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा देखो अब वो क्या कह रहा है. तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस वो कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी होगा. अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, क्या वो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी होगा? बिल्कुल होगा. अगर देखो ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, या रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम. रिलेटिव वेलोसिटी कितने? 25, और टाइम कितना? 16. यानी टोटल मिला के इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, वो कितना होना चाहिए मेरा? 400. इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया? 195 आ गया, 195 मीटर आ गया. अगर एक 205 मीटर के तो दूसरे 195 के, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 10 मीटर. ऑप्शन नंबर डी इज द कंफर्टेबल आंसर, राइट आंसर. क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको. चलिए नेक्स्ट इज, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 येलो कलर्ड बॉल्स. टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम आफ्टर वन अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन बॉल इज ग्रीन. देखो दो तरीके हैं, या तो प्रोबेबिलिटी लगा लो ग्रीन की, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन आएगी या ग्रीन नहीं आएगी, और ये क्या होगी, वन होगी. अगर मैं वो प्रोबेबिलिटी निकालूं जिसमें ग्रीन नहीं आने वाली और उसको एक में से माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर बहुत आसान हो जाएगा. समझिए इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी में ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है. समझ आ गई बात? नोट कीजिए, स्कोर करना स्टार्ट कीजिए प्लीज़. देखो कहने का मतलब क्या है, कि अगर बाई चांस मैं ग्रीन को नहीं लेता तो मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 6 रेड प्लस 4 येलो, मतलब टोटल वी हैव 10 बॉल्स, मतलब 10 सी वन आउट ऑफ हाउ मच, टोटल तो 15 बॉल्स है. 15 में से कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली अभी कि ग्रीन ना हो? अब एक ग्रीन चली गई तो 9 बची, 9 सी वन अपॉन 14 रहेगी, बिकॉज एक यहाँ से चलेगी तो 14 बची. समझने वाली बात है, तो एंटी कितना होगा? देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 15, यानी इसको यहाँ से करो 9 फैक्टोरियल, ये कितना बचा? 10 बटे 15 गुना ये कितना बचा? इंटू ऑफ 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड 14,
यानी कितना बचा 9/14, इसको सॉल्व कर लो जरा, आंसर आ जाएगा। 5 2 10, 5 3 15, 3 3 9 2 7। तो ग्रीन आने की जो ना ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7, 1 - 3/7 कर दो, आंसर इज 4/7, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। बी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड ए इज सोल्ड एट 40% लॉस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:11। इफ ए इज सोल्ड एट 20% लॉस देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ ए, देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ ए, बताओ। तो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे पास, आपने मुझे ये बताना है। ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले कॉस्ट प्राइस की बात कर लें, सीपीओ बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी ज़्यादा है तो इसको के ले लो, ये कितना के प्लस 200 आ गया आपके पास, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अच्छा, बी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इसका मतलब अगर मैं ए और बी की बात करूँ, बी को किस किस बेचा है, 110/100 ऑफ के प्लस 200 ही बी है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी इक्वेशन बन रही है, डरना मत, ठीक है, बट एक बारी में आसान हो जाएगा। ए इज सोल्ड एट 40% लॉस यानी 60/100 ऑफ के पे आपने इसको बेचा है, और जो रेशियो वो कितनी होगी, 4/11। अब देखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, सबसे पहले 100 से 100 कटा, 11 10, 0 से कट गया 0, ठीक है, 2 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3K इजिकल टू 2K प्लस 400। जब इसको 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, K कितना गया भाई, 400 आ गया। अगर K 400 आ गया तो A किसकी बात कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस ऑफ है। पहले A का कॉस्ट प्राइस निकालो, 400 आ गया, बट कब निकालना है, 20% के लॉस पे, यानी इसका 80%, इसका 80% कितना हो गया मेरे पास, 320, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या मुश्किल था, मुश्किल कुछ नहीं है आपके साहस के आगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके साहस के आगे, मैं भी बता रहा हूँ। कंफर्टेबली करोगे, बड़ा मजा आएगा करने में। क्लियर, करिए प्लीज इसको। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन है बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है आपका, एवरेज क्या है, एवरेज प्लस नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, बट क्या क्वेश्चन है, देर आर 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन then largest odd number, if the square of average of all the three given odd number is 507 less than the square of the average of all three given even number, what is the smallest odd number, smallest odd number बताना आपने मुझे, करिए try। देखो पहले odd number की series लिखो, x-2 एंड x+2, ये मेरे पास मेरे गिवन ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर आप इवन नंबर की बात करो, y-2 y एंड y+2, तो ये होता है ठीक है। अच्छा, इफ द स्केयर ऑफ एवरेज ऑफ थ्री, अच्छा द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन, मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर माइनस ऑफ x-2 इज इक्वल टू, अच्छा लार्जेस्ट ऑड नंबर 9, तो y-x=13 आ गया मेरे पास, ठीक है। पहली जो लाइन है उससे ये बना, अब क्या बोले, इफ द स्केयर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री गिवन ऑड नंबर इज 50 लेस देन स्केयर ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल थ्री इवन नंबर्स। देखो अच्छा एक बात था, जैसे मेरे पास एक नंबर है 1,
तीन पाँच, पाँच तीन आठ एक नौ, नौ बटे तीन, तो क्या तीन आएगा, क्या तीन आएगा इसका एवरेज? बिल्कुल इसी तरह से ये एक्स और वाई क्या दिए हैं आपको, एवरेज दिए हुए हैं। इफ द स्केयर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर्स इज 50, ऑल थ्री गिवन ऑड नंबर्स यानी एक्स स्केयर यानी वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर कितना दिए 507, ये ऑड की एवरेज है इवन की एवरेज, तो वाई प्लस एक्स इंटू ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 507, ठीक है, वाई प्लस एक्स इंटू 13 इज इक्वल टू 507, 13 चौके 52 तो 39 पे गया, तो वाई प्लस एक्स कितना आ गया 39, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 39, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 13, 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 52, वाई आ गया 26, एक्स आ गया 13। क्या पूछ रहा है आपसे वो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एक्स आ गया 13, 13 माइनस 2 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 11, समझ आई बात? तो ये कुछ हसीन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत बहुत डेप्थ में लॉजिक्स पूछे गए हैं, ये वाला कुछ स्पेशली सब कुछ पूछा हुआ, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपसे, ठीक है, आपसे डिमांड्स ले ली क्वेश्चंस की, उसके बाद सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सिर्फ और सिर्फ 4999 का फुल कोर्स है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम को चूज़ करना है आपने, SSC सॉरी SSC CGL एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए वीडियो कोर्सेज में जाना है मुझे, सबसे पहले यहाँ जाना है टीयर वन पे, देखो टोटल 526 लेक्चर्स है, 300 टेस्ट हैं, 753 PDFs एंड ऑलमोस्ट 5000 ग्राउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो कितना बड़ा डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो आपको 5 लेक्चर दिए भी हुए हैं, ठीक है, आप 5 एक तरह से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, माइक्रो कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक खरीद के भी कर सकते थे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आपके पास करंट जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके पास एप्टीट्यूड जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस में मिक्सचर एलिगेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से कम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे परसेंटेज से हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ अभी PDSSC पे। अभी भी एक बात कह रहा हूँ, देखो जो बच्चा सीरियस है वो हमसे जुड़ा हुआ है, जो नॉन सीरियस है वो सिर्फ यूट्यूब के सेशन देख रहे हैं, हाँ सर ने ये करा दिया, सर ने बता दिया, अच्छा ये आ गया, ये कर लिया, ये शॉर्ट देख लिया, ये पोस्ट देख ली, दैट्स इट, वो ना शेयर करेगा, वो ना लाइक करेगा, ना सब्सक्राइब करेगा, बट जो सीरियस बच्चा वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है इस लेक्चर के अंदर अंदर, ना वो स्किप करता है वीडियो को, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हलवा है हमने बनाया और खा लिया, ठीक है, इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा हट के आपको चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की अप्रोच देखनी पड़ेगी आपको, देखना पड़ेगा प्रीलिम्स का, आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, अभी आपका प्रीलिम्स आ रहा है टीयर वन, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कि भाई कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से मीडियम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं मीडियम क्वेश्चन, मीडियम का मतलब है एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहा है, लो का मतलब है कि एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, और हाई का मतलब है 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई हैं, बट आपको देखना पड़ेगा, और हर हर के साथ है, देखो यहाँ पे भी है, आप कंप्यूटर जीके की तरफ जाएंगे या जैसे मैं इसकी बात करूँ आपकी करंट जीके की बात करूँ, देखो आपको तो अवार्ड से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पर्सन न्यूज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो थोड़ा जो ट्रेंड चेंज हुआ वो यहीं पर होगा, समझ आएगी बात, तो चेंज इन ट्रेंड की जब आप बात करते हैं आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आइए और प्लीज़ 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 गो थ्रू कीजिए इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you.